हेलो दोस्तों, मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे अनोखे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अनोखे हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, कोई भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी सुंदरता, खासियत और उसके बेहतरीन डिशेस पर निर्भर करता है। इसी वजह से खाने के शौकीन लोग रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो कि औरों से बिल्कुल अलग हैं, जो इनको खास बनाती हैं, जिसमें पहला स्थान पर आता है जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित कायाबुकिया टेवन रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम बंदर करते हैं। जी, आपने सही सुना, बंदर ही इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं। ये बंदर पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, जो लोगों को खाना परोसने के साथ साथ उनके हाथ धोने के बाद तौलिया भी देते हैं। यही बात इस रेस्टोरेंट को सबसे खास बनाती है। दूसरे नंबर पर आता है चीन के जिलिन शहर में स्थित प्रिजन थीम रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट भी अपने आप में खास है। इस रेस्टोरेंट का डिजाइन जेलनुमा है। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को सलाखों के पीछे कैद करके भोजन परोसा जाता है। इस रेस्टोरेंट के स्टाफ भी कैदियों तथा जेलर के ड्रेस में रहते हैं। यही बात इस रेस्टोरेंट को खास बनाती है और ग्राहकों को अपने तरफ लुभाती है। तीसरे नंबर पर आता है दुबई में स्थित आइस रेस्टोरेंट का। यह रेस्टोरेंट भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इस रेस्टोरेंट में सब कुछ बर्फ का बना मिलेगा। कुर्सी, टेबल, यहाँ तक सजावट का सामान भी बर्फ का बना हुआ है। इस रेस्टोरेंट का निर्माण गर्मियों से बचने के लिए किया गया है, जो आपको अंटार्कटिका जैसे ठंडक का एहसास कराता है। चौथे नंबर पर आता है बेल्जियम में स्थित द स्काई रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट हवा में लटका है। यही बात इस रेस्टोरेंट को सबसे खास बनाती है। यही रेस्टोरेंट क्रेन की सहायता से 50 मीटर की ऊंचाई पर लटका है, जहां लोग बैठकर अपने मनपसंद का खाना खाते हैं और आसमान से ही आसपास का नज़ारा देखते हैं। और पांचवें नंबर पर आता है भारत के राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित रोबोट रेस्टोरेंट की। इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम रोबोट करते हैं, जो ग्राहकों को भोजन परोसते हैं। इसी वजह से इस रेस्टोरेंट का नाम रोबोट रेस्टोरेंट रखा गया है, जिससे ग्राहक भी आकर्षित होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।